आई होप यू आर ऑल फाइन। एक वीक में मुझे एक से दो क्वेश्चन ऐसे आए जाते हैं, आप ही पिको ठीक नहीं हो रही, पिको फ्लैट हो रही है, हम क्या करें। तो ये वीडियो देखिए कंप्लीट। यहाँ पे मैं स्टिचन 2.5 रख रही हूँ और जिगजैग पैटर्न आपने मेक श्योर करना है आपका एक है 1 और दूसरा है नंबर 2, आपका 2 पे होना चाहिए। अगर आगे करेंगे तो आपकी बहुत पतली बनेगी। एक दो स्टिच आपने पहले स्ट्रेट लेनी है, वो आपने ले ली, फिर आपने हल्का सा ट्विस्ट करना है फैब्रिक को अपने फुट के अकॉर्डिंग एंड दैट से आप कपड़े को एक ही एंगल से आपने फोल्ड करना है। आपकी पिको ना कम ज़्यादा होगी, फैब्रिक आएगा इक्वल और बिल्कुल स्मूथ आएगी। आप देख ली, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोशिश करें फुट वो वाला यूज़ करें जो नीचे से भी राउंड वाला हो। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं अपने चैनल्स पर, उनको जाके विजिट कर लें, एक बार देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि पिको हमने करनी है किस तरह। दैट्स इट, पीछे से हल्का सा खींचना है, आगे से हल्का सा ट्विस्ट करते जाना है और मशीन को चलाते रहना है। जितनी भी स्पीड में चलाएं आपकी पीको ओके आएगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा और मतलब कि चाहती कि ज़रा सख्त ही आए तो मैंने टेंशन 5 पे रख दिया, मतलब कि जो बल खाती हुई आती है ना पीको वो वाली, क्योंकि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, यानी कि थोड़ा सा हार्ड टाइप का होता है, तो मुझे मज़ीद और हार्ड चाहिए थी, मैंने 5 पे कर दी। अब आपके सामने कर रही हूँ, नीटनेस आपके सामने है, जॉइंट पे कहते नहीं आती, साइड पर आपने बस कट कर दे रहे हैं और सिलाई लगाते जाना है। एंडिंग पॉइंट आपको करके दिखा रही हूँ, फिनिशिंग डिटेल में बहुत बना चुकी हूँ, आप जाके मज़ीद देख लीजिएगा ठीक है। देखिए इक्वल आई है, बिल्कुल डन है, इक्वल कपड़ा आया है, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी होती है। आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, डायरेक्ट फैब्रिक पे करने लग जाते हैं दुपट्टे पे, तो इसलिए मसला होता है। ये देखिए मैं फ्रॉक स्टिच किया था, उसके लिए फ्रिल तैयार की थी, आपके सामने है कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है इसको जाएँ दोबारा से देखिएगा, मैंने बड़ा डिटेल में बताया है आपको आपने किस तरह से करनी है। पिको की बहुत सारी वीडियोज़ हैं पड़ी, तो मैंने कब बात लोग कहते ना थीन फैब्रिक पर सही नहीं होती, तो मैंने कहा आपको शॉर्ट वीडियो बना के बता देती हूँ कि बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, दोबारा से स्टिचिंग बता दिया है।